खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, श्रीकांत भोला के शब्द ध्यान से सुनिए। मैंने अपने जीवन में इतनी कठिनाई देखी है कि अब कठिनाई और मुश्किल मेरे लिए एडिक्शन बन गए हैं। जब आपकी सोच ऐसी हो जाती है कि चैलेंज है तो आने दो, ब्रिंग इट ऑन, तब आप सफलता को आकर्षित करने लगते हो और पूरी कायनात आपको सफल बनाने में मदद करती है। दोस्तों, श्रीकांत भोला के जीवन से दो दृश्य देखिए। पहला दृश्य, लोग पिता से कहते हैं, इसे दिखाई नहीं देता, ये तो अपने घर का चौकीदार भी नहीं बन सकता, इस बोझ को कहां तक लेकर फिरोगे, इसका तकिए से दम घोंप दो। दूसरा दृश्य, श्रीकांत भोला को 400 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री लगाने के लिए और 180 दिव्यांग लोगों को काम देने और मदद करने के लिए 2017 में अवार्ड मिला। दोस्तों, इन दो दृश्यों के बीच का सफर अदम्य आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय का है, और ये सफर शुरू होता है आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव सीतारामपुरम से, जहां दामोदर और वेंकटम्मा के घर जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो जन्म से ही अंधा है। लोग पिता से कहते कि तुम लोग गरीब किसान हो, ये लड़का जीवन में बोझ बन जाएगा, या तो इसे मार दो या इसे अनाथालय छोड़ाओ। ऐसी हृदय भेदी बातों को अनसुना करते हुए गरीब किसान माता पिता ने श्रीकांत का पालन पोषण प्रेम सम्मान और संवेदना से किया। समय बीता, नन्हे श्रीकांत बड़े भाई के साथ कई किलोमीटर चलकर स्कूल जाने लगे। श्रीकांत कहते हैं कि स्कूल जाने वाला रास्ता पथरीला और कांटेदार झाड़ियों वाला था, जैसे तैसे हम स्कूल पहुंचते, लेकिन तकलीफ यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते, टीचर को भी नहीं पता होता कि एक अंधे बच्चे को कैसे पढ़ाना है, इसलिए वो मुझे सबसे पीछे बैठा देते। श्रीकांत कहते हैं कि वो अकेलापन मुझे आज भी याद है। जब श्रीकांत 9 साल के हो गए, तब पिता को एक संस्था का पता चला जो गरीब दिव्यांग बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाती थी। पिता ने तत्काल श्रीकांत को वहां भेजने का फैसला किया। बोर्डिंग स्कूल आने के बाद श्रीकांत को नए दोस्त मिले। उन्होंने तैरना, शतरंज खेलना और आवाज करने वाली बॉल से क्रिकेट खेलना सीखा। अब श्रीकांत खुश रहने लगे और पढ़ाई में भी अच्छे नंबर आने लगे। श्रीकांत कहते हैं कि इंजीनियर बनना मेरा सपना था और मैं जानता था इसके लिए मैथ्स और साइंस पढ़ना होगा। मैंने जमकर मेहनत की, 10th में 90% रिजल्ट भी आए, लेकिन उम्मीदों के विपरीत स्कूल ने मुझे साइंस और मैथ्स लेने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड के अनुसार अंधे बच्चों का साइंस स्ट्रीम लेना गैर कानूनी था। वजह, इन विषयों में डायग्राम और ग्राफ्स जैसे विजुअल एलिमेंट्स का प्रयोग ज्यादा होता है, जिन्हें समझना अंधे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। श्रीकांत इस मनमाने कानून से निराश थे। तब एक टीचर ने उन्हें इस कानून के खिलाफ कोर्ट में केस करने को कहा और अच्छे वकील से मिलाया। श्रीकांत कहते हैं कि बचपन से ही मेरे मन में कोई डर नहीं था, इसलिए मैंने हमेशा अपने मन की सुनी। श्रीकांत ने तत्काल स्कूल मैनेजमेंट और वकील की मदद से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में इस कानून के खिलाफ केस फाइल कर दिया। 6 महीने तक केस चला और श्रीकांत की जीत हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब नेत्रहीन बच्चे भी 11th और 12th में साइंस और मैथ्स ले सकते हैं। श्रीकांत कहते हैं कि इंजीनियर बनना मेरा सपना था, केस जीतने पर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब मुझ जैसे किसी और अंधे बच्चे को केस नहीं लड़ना पड़ेगा। श्रीकांत कहते हैं कि लीडर का काम यही होता है, वो दूसरों के लिए प्लेटफॉर्म बनाता है, दूसरों को नई राह दिखाता है और रास्ता आसान करता है। 12th बोर्ड में श्रीकांत 98% लाए। वे अब IIT में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने वाली कोई भी कोचिंग उन्हें पढ़ाने को तैयार नहीं थी। श्रीकांत कहते हैं कि IIT ने भी मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। मैंने भी सोच लिया कि अगर IIT को मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी IIT की जरूरत नहीं है। इसके बाद श्रीकांत के बेहतरीन रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें MIT, बर्केली, कैम्ब्रिज सब में एडमिशन मिल गया। उन्होंने MIT चुना और इस तरह वे MIT के पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट भी बने। श्रीकांत कहते हैं कि MIT जीवन का सबसे अच्छा समय था। कोर्स बहुत कठिन था, बहुत मेहनत करनी पड़ती, लेकिन टीचर और लोग बहुत मदद करने वाले थे। श्रीकांत का जीवन अच्छा चल रहा था। MIT में पढ़ाई पूरी होने के बाद कई नौकरियों के ऑफर आए, लेकिन उन्होंने सबको ना कह दिया। कारण, श्रीकांत कहते हैं, बचपन का संघर्ष अब भी मेरे अंदर जीवित था। एक अधूरापन, एक कसक थी जो मुझे भारत ले आई।
मैं अपने देश में विकलांगों के लिए कुछ करना चाहता था। शुरू में वे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन श्रीकांत ने जब बड़ी पिक्चर देखी तो उन्हें समझ आया कि अगर दिव्यांग लोगों के लिए नौकरियां होंगी तो उन्हें अपने आप पढ़ने के बराबर मौके मिलेंगे। इसलिए श्रीकांत कहते हैं कि मैंने सोचा और निश्चय किया कि मैं ऐसी कंपनी शुरू करूंगा जहां दिव्यांगों को काम मिल सके। जब मैं भारत वापस आया तब भी लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर कुछ करने का जुनून था। जब भी मेरे पास कोई आके कहता कि आप ये काम नहीं कर सकते, तब मेरे मन में सवाल उठता कि मैं क्यों नहीं कर सकता। 2012 में श्रीकांत भारत आए और हैदराबाद में बोलेंट इंडस्ट्रीज की शुरुआत की और इको फ्रेंडली पैकेजिंग बनाने का काम किया। श्रीकांत कहते हैं कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितना कठिन काम है। शुरू में हर दिन हर चीज में दिक्कत हो रही थी, ऐसा लगता था कि ये असंभव काम है। लेकिन श्रीकांत कहते हैं, जब आप सपने देखना शुरू करते हो तब हमारे ऊपर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन जैसे हम सफर पर चलना शुरू करते हैं, कोशिश करना शुरू करते हैं, तो हम पर यकीन करने वाले, साथ देने वाले लोग मिल जाते हैं और ऐसे ही हर विजन संभव होने लगता है। दोस्तों, श्रीकांत बोला साहब के दृढ़ निश्चय और ईमानदार सोच ने रतन टाटा जी को भी प्रभावित किया और उन्होंने बोलेंट इंडस्ट्रीज में निवेश किया। आज बोलेंट इंडस्ट्रीज के 10 प्लांट्स हैं जो पैकेजिंग और डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाने के लिए पाम लीव्स यानी ताड़ के पत्तों का प्रयोग करते हैं और उनकी कंपनी की कीमत 450 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसमें 500 लोग काम करते हैं और उनमें से 36% यानी 180 लोग दिव्यांग हैं। दोस्तों, श्रीकांत जी के व्यक्तित्व से सीखने वाली कई सारी बातें हैं। सबसे पहली, विजन। जब श्रीकांत छात्र थे तब राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने उनसे पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? श्रीकांत ने कहा, मैं देश का पहला नेत्रहीन राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। श्रीकांत साहब कहते हैं कि मेरे पास दृष्टि नहीं है, लेकिन मेरे पास विजन है। आंखों से जो देखती है वो दृष्टि है, लेकिन मन जो लक्ष्य देखता है उसे सच करने की प्रतिज्ञा लेता है वो विजन है। जो विजन से जुड़ा होता है वो उल्टे बहाव में भी तैर सकता है। दूसरी बात, भाग्य और भविष्य। श्रीकांत कहते हैं कि हमारे जीवन की शुरुआत में कुछ परिस्थितियां मिलती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन अपना भाग्य हम खुद बनाते हैं, भविष्य हमारे हाथ में है। वे कहते हैं कि अगर हम ईमानदारी से कोशिश करें तो जीवन में हमें बहुत सारे अवसर मिलते हैं जिससे हम अपना जीवन खुद बेहतर बना सके। अगली बात, श्रीकांत कहते हैं कि मुश्किलें जरूरी हैं। कंफर्ट जोन में रहकर ना कोई बड़े सपने देखता ना मेहनत करता, क्योंकि हमारे दिमाग की वायरिंग ही ऐसी है कि एक कठिन समय में सर्वश्रेष्ठ काम करता है। इंसान कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही अपना पूरा जोर लगाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने मन को दृढ़ निश्चय और सफलता के लिए प्रोग्राम करने के लिए शक्तिशाली अफर्मेशंस पर वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।